हाँ तो भाई बच्चों कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इनसाइटेरिया में। हम पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स, उसमें हमने पढ़ लिया था जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। ठीक है, पिछली वीडियो में जीरो ऑर्डर की रिएक्शन कैसे काम करती है वो सब चीज़ें हमने देख ली थी। उसकी इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है हम कंक्लूजन में पहुँच गए थे। सबसे पहले तो रेट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट जो होती है वो ए पे डिपेंड नहीं करती। ए मतलब वो रिएक्टेंट है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन। ए टी इज टू -KT प्लस ए नॉट, ये सब चीजें हमने डेराइव कर ली थी। ए टी क्या होता है, के क्या है, टी क्या है और ए नॉट क्या है। ए टी मतलब टी टाइम के बाद से सांद्रता, यानी बची हुई सांद्रता किसमें, कंटेनर में, किसकी, ए की। ए कौन, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के। और टी टी मतलब वो टाइम जिसके बाद ये कंसंट्रेशन हमें स्टडी करनी है। ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, ए कौन, रिएक्टेंट। टी हाफ हमने पता कर लिया था, टी हाफ क्या होता है, वो टाइम जिसमें कि इनिशियल कंसंट्रेशन क्या रह जाए, उसकी आधी रह जाए, वो होता है टी हाफ। ठीक है, टी हाफ किस कैसे डिपेंड करता है, ए अपॉन टू के। ठीक है, के क्या है, कॉन्स्टेंट है। ए क्या है, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मतलब कि उस रिएक्शन के लिए कांस्टेंट है कि हमने कितना लिया, तो उस रिएक्शन के लिए टी हो गया कांस्टेंट, टी हाफ। ठीक है, ए आप वेरिएबल करते जाओ, बढ़ाते जाओ, कम करते जाओ, आपको टी हाफ चेंज नजर आता जाएगा। किसे कैसे डिपेंड करता है, टी हाफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके, ए के। टी हाफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ए, ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है। हमें करना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफीय निरूपण, ग्राफ बनाने हैं। ग्राफ कैसे, आपको ग्राफ की फॉर्म में क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको ग्राफ दे रहा हूं। ठीक है, वो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है ये कौन सी रिएक्शन यानी ऑर्डर, कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है जो इसका ये ग्राफ आपको दिया गया है, आप पहचानो उसको। कैसे पहचानोगे, वो अभी पहचान पाओगे आप, देख लो क्या है। मैं बना रहा हूं किसमें, ग्राफ बना रहा हूं तीनों के अलग अलग, तीनों के अलग अलग ग्राफ बना रहा हूं। इधर मैं ले रहा हूं रेट, ऊपर इधर मैं ले रहा हूं कंसंट्रेशन सांद्रता। इधर इस रिएक्शन को, इस इक्वेशन को देखो क्या नजर आ रहा है, आर इज टू के, ए की पावर नॉट, यानी ए पे डिपेंड ही नहीं कर रही ना, तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं है। कंसंट्रेशन क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। ठीक है, तो रेट रेट क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। कंसंट्रेशन आप में कितना ही चेंज कर दो, मतलब बढ़ाते जाओ, रेट क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो ये रही स्ट्रेट लाइन, इधर ऐसे, जिसका स्लोप क्या होगा, जीरो, स्लोप जीरो। इस रिएक्शन के, इस ग्राफ के लिए इसका स्लोप क्या होगा, जीरो। इसका कोई स्लोप नजर आ रहा है क्या, नहीं। थोड़ा सीधा बनाए कि टेढ़ा बनाए, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, इसको मैं सीधा कर देता हूं। सीधा करने के चक्कर में चौक ही तोड़ दिया। स्लोप क्या है इसका, जीरो। ठीक है, ए टी ये आपको क्या नजर आ रहा है, ये रिएक्शन आपने वो इक्वेशन पढ़ी है क्या, स्ट्रेट लाइन वाली, वाई इज टू एम एक्स प्लस सी, पढ़ी होगी, पढ़ लो। वाई पे क्या है, ए टी है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए टी इधर, और इधर क्या है, एक्स टी टाइम, टाइम के साथ टी का क्या परिवर्तन होगा, देखो एम एक्स प्लस सी, एम स्लोप ऑफ इक्वेशन, तो माइनस जो के है वो क्या है, इसका स्लोप है। टी एक्स की जगह आएगा, ए नॉट, ए नॉट मतलब सी, सी ए नॉट, सी की कुछ वैल्यू है, तो मान लो ये यहां से जो यहां तक है ना, ठीक है, आपका सी है, ठीक है, यानी ये है ए नॉट, और ये क्या हो रहा है, स्लोप क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव है तो ऐसे ग्राफ आएगा, क्यों 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 क्यों, एक्स एक्सिस से 90 डिग्री से अगर ज्यादा का एंगल बने तो उसका स्लोप क्या होता है, नेगेटिव, और स्लोप हमें नेगेटिव यहां दिया ही गया है, तो ये रहा, ये बना माइनस के। ये और ये क्या है, ए नॉट, सिंपल सिंपल ग्राफ है, कोई खास बात है ही नहीं, टी के साथ बन गया टी ए बाई टू के। टी हाफ किसमें बनेगा ग्राफ, टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन में, वाई एक्सिस पे क्या है, टी हाफ, और ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, कौन सी, ए,
बना दो। क्या बनाओगे? इसको क्या लिख सकते हो? a इंटू वन बाई टू के, ठीक है। ये क्या नजर आ रहा है आपको? एम एक्स प्लस सी, वाई इजक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम इसका क्या है? वन बाई टू के। एक्स क्या है? a, और c क्या है इसका? जीरो। ऐसे ही तो है ये, c की वैल्यू इसमें क्या है? जीरो। वन बाई ए बाई टू के है ना, तो a को मैं किस पे ले रहा हूं? x एक्सिस पे, तो x हो गया ये m। m मतलब कौन बच गया? x के साथ कौन है? m, 1 बाई टू के। तो इसका स्लोप क्या हो गया? 1 बाई टू के। तो कैसे? यहां से पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है, तो ये ऐसे बनाया ग्राफ। आ गया समझ में? कोई दिक्कत किसी को होनी भी नहीं चाहिए, क्यों? स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप क्या है इसका? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब 1 बाई टू के। पॉजिटिव मतलब ये जो एंगल बन रहा है x एक्सिस से, वो कितना है? लेस देन 90 डिग्री है, लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या है? थीटा, तो ये 90 डिग्री से कम। आगे ग्राफ समझ में? किसी को कोई दिक्कत? ऐसे ग्राफ देगा और ऐसे वैल्यू देगा आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग, और बोलेगा ये किस रिएक्शन के लिए भाई? आप बताओगे जीरो ऑर्डर के लिए कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए कि सेकंड ऑर्डर के लिए। हालांकि सेकंड ऑर्डर आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैं ब्रीफ रिव्यू दे दूंगा उसको, कि आपको आइडिया हो जाए कि क्या होता है उसमें, ठीक है। तो नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो। शाबाश, हो गया भाई, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, जल्दी। अब करते हैं कुछ न्यूमेरिकल जल्दी जल्दी, क्या है उनमें देखना, आप कॉन्सेप्ट को समझना। न्यूमेरिकल से कोई चैप्टर मजबूत होगा आपका। न्यूमेरिकल जितने ज़्यादा लगाएंगे आप, मान लो क्वेश्चन क्वेश्चन की फॉर्म में जितने ज़्यादा, और फिजिकल तो खासतौर से हाई न्यूमेरिकल, ठीक है, उसमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतने ही क्या होंगे? फायदे में रहेंगे। कोई मान लो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, क्वेश्चन नंबर एक, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज 0.02 एम सेकंड इनवर्स इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 0.75 एम देन फाइंड आउट द रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 30 सेकेंड्स। पहले तो क्वेश्चन समझो क्या है, समझ में आ गया? हिंदी में बताऊं, कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, हिंदी में बोल देता हूं, एक शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का मान 0.02 मोलर पर सेकेंड है। यदि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 0.75 एम हो तो 30 सेकंड के पश्चात शेष सांद्रता ज्ञात करो। शेष सांद्रता किसकी? कौन बचेगा रे? एटी बचेगा ना, उसकी वैल्यू हमें पता करनी है। शेष सांद्रता लिख दो, एटी माइनस के टी प्लस ए नोट। बोलो, एटी तो हमें ज्ञात ही करना है, माइनस के रेट कांस्टेंट के, अरे सर वो यूनिट रगी, मोल सेकंड इनवर्स, मोल नहीं है मोलरिटी है, वो मोलरिटी एम, बड़ा एम, कैपिटल एम, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। तो क्या है? 0.02 इंटू, बोलो टी सेकंड, अरे के तो सेम ही होगा ना, के तो सेम ही होगा उस रिएक्शन का, सेम रिएक्शन का के तो सेम ही होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। के की वैल्यू तो रख दो, टी प्लस ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 0.75, जोड़ दो जल्दी, क्या ही है इसमें, कुछ है ही नहीं, माइनस आपका ये 0.2 0.6 है ना, 0.6 प्लस 0.75, 0.6 जीरो मान लो, 60 और 75 कितने हुए, अरे 75 में से 60 घटाने हैं, माइनस प्लस के 0.15, क्या आएगा? मोल एम,
मोर लिटर इनवर्स एम कैपिटल एम, तो ए टी जो है क्या है? ये सिंपल है भाई, न्यूमेरिकल कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो, नोट करो जल्दी। एक क्वेश्चन और है, मैं बोल देता हूं, लिखवाऊंगा नहीं थ्योरी में। एक कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, क्या है इसमें, इसकी कंडीशन क्या है? ये 24 मिनट में ना, 24 मिनट में 50% कंप्लीट है, समझना क्वेश्चन की भाषा। तो हमें पता क्या करना है, 75% कंप्लीट होनी है इसको, तो इसमें जो टाइम लगेगा वो कितना होगा ये हमें पता करना है। बोल देता हूं हिंदी में लैंग्वेज, एक शून्य कोटि अभिक्रिया 24 मिनट में 50% पूर्ण हो जाती है, तो 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, कुछ है क्या? देखो अप्रोच कहां करना है सवाल को, हमें क्या दिया गया है, 24 मिनट दिया गया है, यानी टी दिया गया है, ठीक है, टी दिया गया है, 50% कंप्लीट हो रही है, मतलब हमारा दिमाग स्ट्राइक करेगा, 50% कंप्लीट होने का मतलब है इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना रहा, 50%, यानी कि इनिशियल जो थी उसका आधा रहा, आधा 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 कितने मिनट में रहा, 24 मिनट में, तो आपका दिमाग बोलेगा 24 मिनट क्या है इसका टी हाफ, यानी क्या है, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ उसकी क्या है, अर्धायु काल है 24 मिनट, 24 मिनट में जो प्रारंभिक कंसंट्रेशन है वो उसकी आधी हो जा रही है, हाफ लाइफ। मतलब अब देखो मैं मान रहा हूं जो इनिशियल मोल थे उसको मैं 100 मान रहा हूं, ठीक है, ठीक 100, तो आप रखो ए को मैं मान रहा हूं 100 माइनस ए टी माइनस के टी प्लस ए नोट रख दो, ए टी अगर मैं ए को 100 मान लूं तो ये कितने बचेंगे, ए ये बचेंगे 50 बराबर किसके लिए, माइनस के टी हाफ रख दो 24 मिनट प्लस ए नोट, ए नोट में मान रहा हूं 100, किसी को कोई दिक्कत है भाई, नहीं होनी चाहिए। इक्वेशन नंबर एक, इस 100 को इधर ले आओ, इक्वेशन नंबर एक मत दो इसको, इस 100 को इधर ले आओ, तो जो माइनस के इंटू 24 होगा वो क्या बनेगा, 24 माइनस 50 माइनस 50 और ये माइनस माइनस हट के 50 आ जाएगा, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर एक। दूसरी चीज, इसका तो हल हो गया, ये बोला 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, भाई लिख दो, जब 100 कंप्लीट हो हमारा 50 कंप्लीट हो रहा था तो 50 बच रहा था, जब 75 कंप्लीट हो जाएगा तो कितना बचेगा रिमेनिंग, 25। तो अब दूसरी रिएक्शन के लिए 25, ये 50 की जगह 25 माइनस के टी हमें निकालना है, के तो सेम ही है, माइनस के टी हमें निकालना है प्लस 100, यही तो होगा, 100 को इधर ले आओ, 75 इक्वल्स टू के टी, दो नंबर रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 1/2, इक्वेशन 1/2 कर दो, क्या है 50 के इंटू 24, दूसरी 75/KT, काट दो के से के कट गया, 25 3, तो तुम्हारा जो 24/T है वो किसके इक्वल आ गया, 2/3 के, तो ये 12 से कट गया, तो टी बराबर तुम्हारा आ गया 36 मिनट, टी तुम्हारा आ गया 36 मिनट, किसी को कोई दिक्कत है भाई, नहीं है, सिंपल इक्वेशन में ही तो किया है, 1/2 कर दिया, सिंपल इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए जीरो ऑर्डर की, प्रैक्टिस करोगे प्रैक्टिस से आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शुरू से जीरो से लेके आपको बस जो मैंने परफॉर्मा बताया ना कि कैसे कैसे चलना है आपको, बस उसी के अकॉर्डिंग चलते जाओ,
शुरू में हमने समाकलित दर समीकरण जो निकाली थी इंटीग्रेटेड रेट लो बस उसी के अकॉर्डिंग चलते। देखो मैं नहीं कह रहा कि ये तुम्हें हमेशा याद रहेगा, ये रहेगा प्रैक्टिस है भाई, या तो रट लो, रट तो नहीं पाओगे, क्यों? क्योंकि रटने वाले तो भूल सकते हैं, भूल इसलिए सकते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा घुमा देगा, आप भूल जाओगे कि कैसे अप्लाई करूं, लेकिन आपको तरीका मालूम होगा, आप इसको पेपर के अंदर भी निकाल सकते हो। सिंपल सा मेथड है, दोनों रेट लो और रेट जो हम खुद से डिसाइड करते हैं माइनस डी अपॉन डी टी और इजकल्स टू रेट लो आर के की पावर ए नॉट, उसको बराबर ही तो करना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। ये हो गए आपके दो न्यूमेरिकल। अच्छा ठीक है, अरे एक बात बताओ, इसका कोई और भी तरीका हो सकता है क्या इसको सोल्व करने का? हो सकता है, कौन सा? देखो वो भी ऐसा ही है, लेकिन आपको उसमें थोड़ा सा क्या है फील आएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है उसमें। देखो शॉर्ट ट्रिक में मेरा विश्वास नहीं है, शॉर्ट ट्रिक में विश्वास इसलिए नहीं है, शॉर्ट ट्रिक रख लोगे याद, कॉन्सेप्ट जाओगे भूल, ठीक है। मतलब क्या रहा? कुछ नहीं, सवाल थोड़ा सा उल्टा पुल्टा किया, चलो ठीक है, यहां तक तो बीएससी लेवल के लिए तो ठीक है ही, एंट्रेंस एग्जाम में निकल जाएगा आपका, ठीक है, ट्रिक मार मुर के आप जैसे भी करके पास हो जाओगे, लेकिन नॉलेज में बढ़ोतरी तो नहीं हुई ना, फिर क्या करोगे, ऐसे ही भूल जाओगे थोड़े दिन बाद ट्रिक, अभी आप जब तक वीडियो देख रहे हो तब तक याद रहेगी, थोड़ी देर बाद फिर भूल जाओगे, लेकिन कॉन्सेप्ट हमेशा लॉन्ग लाइफ चलता है, याद रहता है, ठीक है। तो आपको एक एक्स का मैंने बताया था, एक्स क्या है? विघटित सांद्रता। ठीक है, विघटित सांद्रता, इसका मैंने फॉर्मूला बताया था के टी, एक्स इज टू के टी, याद करो पिछली वीडियो में बताया था ना, क्या होगा एक्स क्या है इस रिएक्शन के लिए, एक्स मतलब विघटित, कितनी कंप्लीट हुई 50%, 50 लिख दिया सीधा से सीधा, ठीक है, के और टी कितना है, टी हाफ यानी 24 मिनट, ठीक है। दूसरी में ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर दो लिख दो 75% कंप्लीट हो रही है, एक्स मतलब विघटित, विघटित कंप्लीट का मतलब तो यही हुआ ना कि वो डिसोसिएट हो रही है, के टी लिख दो, के और टी आपको पता करना है, दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, के से के कट गया, वो 3, 2 से 24, 12, 12 3 36, एक लाइन में आंसर आएगा, और आएगा कब, जब आपको कॉन्सेप्ट मालूम होगा कि एक्स बराबर के टी होता है, जब ये आपको पता होगा तभी आएगा, है ना, ठीक है। चलिए इसके बाद में लेता हूं क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बड़ी ही कमाल की चीज है, सिंपल सी है, बहुत कमाल की चीज है, क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम चैप्टर के, इस चैप्टर के यहीं से आते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर देख ली थी हमने, अब मैं देख रहा हूं इन अभिक्रियाओं की जो रेट होती है ना वो किसके समानुपाती होती है, अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है, ठीक है, ऐसे जो रेट होती है वो किसके समानुपाती होती है, अभिकारक की सांद्रताओं के, प्रथम घात के समानुपाती होती है, एक ही घात होगी, ठीक है, पहली चाहे रिएक्टेंट कितने भी हो उसकी टोटल मिला के ऑर्डर कितनी होगी, एक, समझ गए मेरी बात, इस पर डिपेंड करती है। एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल मतलब इस रिएक्शन के एग्जाम्पल, प्रथम कोटि अभिक्रिया के N2O5 गैसियस है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, 2NO2 प्लस हाफ O2, ये क्या है, सारे गैसियस है, ठीक, तो इसकी जो R है वो मैं लिखूंगा K N2O5, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल है ये, पहला ये दूसरा C2H4 क्या है, इथेन प्लस H2, ये भी क्या है, गैस, ये भी क्या है, गैस, क्या बन रहा है, C2H6, इथेन से बन रहा है एथेन, C2H6, ये भी क्या है, एक गैस, R इक्वल्स टू K जो है वो C2H4 के समानुपाती होगा। अब यहाँ पे आपका दिमाग किया स्ट्राइक, स्ट्राइक क्या किया, यहाँ पे तो रिएक्टेंट था एक सिंगल N2O5, यहाँ पे तो रिएक्टेंट है दो, एथीन और हाइड्रोजन, तो सर सर हाइड्रोजन पे डिपेंड नहीं करेगा क्या, नहीं करता होगा भाई,
क्या है? प्रैक्टिकल अप्रोच है। प्रैक्टिकल से पता चला है कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी भी लो हमें नहीं पता, हमें तो सिर्फ C2H4 से मतलब है, रेट ऑफ रिएक्शन को C2H4 की सांद्रता से मतलब है। ये जितनी बढ़ेगी उतना R भी बढ़ेगा, ये जितनी कम होगी R भी उतना ही कम होगा। हाइड्रोजन से कोई लेना देना नहीं है इसको, हाइड्रोजन से कोई लेना देना नहीं है, मतलब हाइड्रोजन के संबंध में इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी? जीरो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी? जीरो। समझ में आ रहा है पॉइंट? अभिक्रिया की कोटि हाइड्रोजन के संदर्भ में जीरो होगी इसकी, ठीक है। और लिख लो एक दो एग्जांपल, अच्छे अच्छे एग्जांपल। NH4NO2 ये क्या है? सॉलिड आपका, सॉलिड जो है वो हीट करने के बाद N2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस 2H2O लिक्विड बन रहा है, ठीक है। तो R जो है वो K NH4 NO2 पे डिपेंड करेगा, ठीक। समझ में आ रहा है भाई? ये देखो एग्जांपल आपको याद थोड़े से रखने पड़ेंगे। एक एग्जांपल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। क्या बनता है एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवाएं H2O का, तो क्या बनेगा? CH3COOH प्लस C2H5OH, एसिड और अल्कोहल, ये बनता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अच्छा एक चीज है इसमें, इसको लेना है एक्सिस में, एक्सिस में ले रखा है हमने, तो जो R जो है वो क्या बोलोगे आप? के CH3COOH5 के क्या है? प्रोपोर्शनल, एक घात के क्या है? समानुपाती है, लेकिन वो H2O पर डिपेंड नहीं करती। पर सर H2O ही तो इसको हाइड्रोलाइज करवा रहा है, तो H2O पर डिपेंड क्यों नहीं कर रही? H2O भाई एक्सिस में है, एक्सिस में है। मान लो इसका मैं एक ले रहा हूं इसकी सांद्रता, और H2O के ले रहा हूं मैं 50 लीटर पानी ले रहा हूं, तो क्या भाई इसको हाइड्रोलाइसिस करवाने के लिए 50 लीटर पानी की जरूरत है? उसमें घोल तो दिया है हमने, डिजोल्व तो मतलब हाइड्रोलाइसिस तो करवा दिया है 50 लीटर से, लेकिन 50 की जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो इसकी कंसंट्रेशन में कुछ चेंज होगा, इसकी मात्रा में कुछ चेंज होगा क्या? होगा, लेकिन बहुत कम, माइन्यूट सा। तो इसकी ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं, इसकी घात पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। H2O को हम क्या करेंगे? नेगलेक्ट करेंगे यहाँ पे उसमें, ठीक है। आगे बात समझ में, जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है ना, रेडियो एक्टिव रिएक्शन, जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है वो क्या होती है? सारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। आंख बंद करके लगा देना चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या न्यूक्लियर रिएक्शन जितनी भी होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। जैसे एक रिएक्शन मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 86 रेडॉन 226, इसमें से क्या निकल रहा है? एक अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, 2He4, है ना, जानते हो इसको, अल्फा पार्टिकल, इसको बोलते हैं हीलियम को। तो ये क्या है? निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 84 RN224, ऐसा कुछ बचेगा, ठीक है। दो इसमें से गए, चार इसमें से गए, ठीक। आ गया समझ में? अब हमें लिखनी है इसकी समाकलित दर समीकरण, यानी इंटीग्रेटेड रेट लॉ। जल्दी 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 फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या वही सिस्टम अपना था? ए से क्या बनाना है? प्रोडक्ट बनाना है,
टी बराबर जीरो पर ए की कंसंट्रेशन, ए टी क्या है, ए इसकी क्या है जीरो, टी बराबर मान लो कोई टाइम टी आ गया, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स, इसकी भी एक्स। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। आर लिख दो, आर फटाफट से माइनस डी ए अपॉन डी टी। रेट लो लगा दो जल्दी से, रेट लो दर नियम। अगर ये बातें समझ में नहीं आ रही तो भैया पिछली वीडियो जरूर देखें आप बिना स्किप किए हुए, आप उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है कि ये मैं क्या लिख रहा हूँ, इन्हीं सब बातों पे चर्चा की गई है, ठीक है। रेट लो लिख दो, आर जो है वो के और ए के पहली घात की क्या है, प्रोपोर्शनल है, ऐसे दोनों को कर दो बराबर, बराबर करोगे तो माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू के ए की पावर वन। चलो उधर लेके तामझाम अपना, माइनस डी ए अपॉन ए के डी टी, माइनस को मैं नहीं, चलो यहीं रहने देता हूं, माइनस को यहीं रहने देता हूं, के डी टी। मुझे करना है इंटीग्रेशन, कर दो इंटीग्रेशन, कर दिया मैं इस, चलो अच्छा अभी रहने दो, अगले स्टेप में कर देता हूं, माइनस डी ए कर दो इसका इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक लिमिट लगाओ, कहां से कहां तक, ए नॉट से ए टी तक, इसका जीरो से टी तक, टाइम टी तक, यही तो होगा इंटीग्रेशन। अब मुझे एक बात बताओ, इंटीग्रेशन में मैं एक आपको फॉर्मूला देता हूं, वन अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स, याद है ना, याद नहीं है तो भाई थोड़ा सा पढ़ लेना, इसको कर लेना, ठीक है, वन अपॉन एक्स डी एक्स लॉग एक्स, ये होता है इसका इंटीग्रेशन। तो इसके अकॉर्डिंग चलो, इसका इंटीग्रेशन मैं क्या कर दूं, माइनस तो बाहर है तो लॉग ए ही होगा, ए का इंटीग्रेशन, और कहां से कहां तक है लिमिट, ए नॉट से ए टी इक्वल्स टू के बाहर आ गया, डी टी का इंटीग्रेशन टी, मैंने आपको बहुत बार बताया लिमिट आपकी लगेगी जीरो से टी, ठीक है, जीरो से टी लगा दो, माइनस को बाहर रखो, पहले लिखो अपर लिमिट लॉग ए टी माइनस लॉग ऑफ ए नॉट। आगे बात समझ में, के अपर लिमिट टी माइनस जीरो लोअर लिमिट, तो इसको मैं हटा के सीधा के टी लिख देता हूं, टी माइनस जीरो इक्वल्स टू के टी, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस अंदर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो लॉग ऑफ ए नॉट माइनस लॉग ऑफ ए टी इक्वल्स टू के टी। आगे बात समझें, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए टी के टी, ये एक लॉग का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है, लॉग का क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी को मैं लॉग ए अपॉन लॉग ए अपॉन बी कर सकता हूं, ठीक है, तो वही मैंने किया, ए नॉट अपॉन ए टी इक्वल्स टू के टी, समझ में आ गई, ये है इक्वेशन नंबर एक। लॉग का थोड़ा सा देख लेना, वरना मैं अभी थोड़ी देर में बता दूंगा ये खत्म होने के बाद, लॉग को कैसे हम थोड़ा सा कैसे सेट करते हैं लॉग को, तो ये आप नोट कर लो यहां से यहां तक। ये इक्वेशन क्या है, समाकलित दर समीकरण किसकी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जैसे हमने शून्य ऑर्डर रिएक्शन के लिए ए नॉट ए टी इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ए नॉट निकाला था ना, वैसे ये क्या है इसके लिए, इसमें बस लॉग आएगा, इतना ध्यान रखना, और लॉग से ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, ना 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 ना, लॉग से तो बिल्कुल डरने का नहीं है, लॉग ज्यादा डराने वाली चीज ही नहीं है, लॉग बड़ा सिंपल सिंपल है इसमें, और आप चुटके में करोगे, मैं थोड़ा सा ट्रिक बता दूंगा, समझा दूंगा कि कैसे इसको सोल्व करना है, उसके जनरल फॉर्मूले क्या होते हैं लॉग वाले, वो मैं आपको बता दूंगा तो आप कर लोगे, ठीक है, तो इसको नोट करो यहां तक पहले जल्दी से। हो गया भाई, ठीक है, मैं मिटा रहा हूं इसको, हाँ ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं,
एंटीलॉग ऑफ इक्वेशन वन, इसका मैं ले रहा हूँ एंटीलॉग। कैसे लूंगा? एंटीलॉग का मतलब क्या होता है? लॉग हटाना, ठीक है। लॉग हटेगा कैसे? ये है बेस में ई है इसके, ठीक है। लॉग का बेस होता है ना कोई ना कोई, तो वो बेस है इसका ई, नेचुरल लॉग। ln भी लिख सकते हैं इसको, ln नेचुरल लॉग, ठीक है, ई बेस है। अब क्या करोगे जब इसका एंटी लॉग करोगे? एंटी लॉग मतलब लॉग हटा दो, इसका लॉग हटाओगे तो क्या बचेगा? ए नॉट अपॉन ए टी। इस वाली टर्म पे तो कोई लॉग है नहीं, है नहीं ना, तो इसका जब एंटी लॉग लोगे तो इसका जो लॉग का जो बेस होता है ये बेस पावर में चला जाता है माइनस के टी। मैं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या? एक सेकेंड चेक। ओके ओके, नहीं नहीं, ए की पावर के टी, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, इसकी पावर में के टी चला जाएगा, ठीक है। ए नॉट अपॉन ए टी इजकल्स टू ई की पावर के टी, ठीक है। अब क्या होगा? हमें निकालना है ए टी, ए टी इसको इधर, और ए नॉट अपॉन ई की पावर के टी, ई की पावर में है ये। जब ये करोगे तो ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, ये इक्वेशन नंबर दो, ठीक है। इक्वेशन नंबर दो इसको रखना है याद, रटना नहीं है, फिर मैं वही बोलूंगा, रटना नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल याद रहनी चाहिए। समीकरण एक से देखो क्या कर सकता हूं मैं। अब आगे ये आ गई इक्वेशन एक, कहाँ है? कहाँ है? ये रही इक्वेशन एक। कॉन्सेप्चुअल चलना है स्टेप बाय स्टेप। इक्वेशन नंबर दो है वो याद रखना है ना। ये इक्वेशन मैं क्या कर रहा हूं, लॉग इसका क्या है? बेस ई है, ई है, तो मैं इसका बेस चेंज कर रहा हूं। उसको मैं कैसे लिख सकता हूं? के टी इजकल्स टू लॉग बेस ई ए नॉट अपॉन ए टी। अच्छा ये जरूरी याद रखना, ए नॉट ऊपर है, ए टी नीचे है। इसमें बहुत गलतियां होती हैं, ए टी ए नॉट, ए टी ए नॉट, ऊपर नीचे हो जाता है, फिर मामला पूरा ही गड़बड़ हो जाता है, पूरा सवाल खत्म, फिर गलत हो जाता है, माइनस में मिलता है नंबर, ठीक है। इसका मैं बेस चेंज कर रहा हूँ के टी, जब मैं बेस इसका 10 लूंगा तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2.303 लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन 80। इसको रखोगे आप याद, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे जितने भी न्यूमेरिकल हैं मैक्सिमम इसी पे है, इसी इक्वेशन पे है। मतलब ये और ये तो एक ही बात है, लेकिन जो लॉग की बेस 10 है उसकी वैल्यू आपको याद रखना आसान होता है, इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। बाकी और कोई कारण नहीं है, आप ई में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ई की वैल्यू जो है वो थोड़ी सी टफ होती है, मतलब याद रखना। जनरली हम 10 की वैल्यू, लॉग बेस 10 की वैल्यू जो है हम याद रख सकते हैं, कैसे रखेंगे वो अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखो जहाँ एक्स के, अच्छा इसमें क्या कर सकते हैं अपन, ए नोट जो होता है वो हमेशा आपको पता है ए नोट ए होता है, और ए टी जो है वो ए माइनस एक्स होता है, एक्स जहाँ क्या है? विघटित सांद्रता है। तो के टी इजकल्स टू 2.303 इंटू लॉग बेस 10 इनिशियल कंसंट्रेशन ए अपॉन ए माइनस एक्स, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ इसको, आपको डायरेक्ट विघटित सांद्रता दे देगा, तो आप इसमें से घटा दोगे तो ए टी बच जाएगा आपका ए अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। अगली स्टेप क्या है? इसको इक्वेशन नंबर फोर दे दो, वैसे आप जितनी चाहो उतनी बना सकते हो। और अब मैं जल्दी से इसका लिख देता हूँ हाफ लाइफ। हाफ लाइफ में कुछ होता नहीं है, हाफ लाइफ में कुछ भी नहीं होता, आपको सबको पता है क्यों? क्योंकि हाफ लाइफ का सिर्फ इतना सा मतलब है कि वो जो शुरू में कंसंट्रेशन थी वो क्या रह जाएगी? आधी रह जाएगी। और कब रहेगी? कब रहेगी? लिख दो के टी 2.303 इंटू लॉग शुरू में कंसंट्रेशन ए, बाद में आधी रहेगी ए बाई टू, तो टू को ऊपर ए से ए कटेगा तो क्या बनेगा? के टी 2.303 इंटू लॉग 2 बाई 1, तो लॉग 2
टू बाई वन मतलब लॉग टू, इसको सेटिस्फाई कर लेना कैसे आया ये, तो के टी इसको 2.303 इंटू लॉग टू, लॉग टू की वैल्यू कितनी 0.30, इसको मल्टीप्लाई करो के टी, अच्छा टी कंसेंट्रेशन में इधर ले रहा हूँ हाफ, तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा टी हाफ, टी हाफ अर्धायु काल, हाफ लाइफ पीरियड, इसका कितना होगा 2.30, इसका होगा 0.693, ठीक है, तो टी हाफ जो होगा वो आपका 0.693 अपॉन के, दिस इज योर आंसर। मुझे एक बात बताओ इसको देख के क्या लग रहा है, अरे सर पहले वाली हाफ लाइफ जो जीरो ऑर्डर वाली निकाली थी तो उसमें तो ए था, इसमें तो ए है ही नहीं, वही तो बात है, यही तो बात है, यही तो बात हमें पता करनी है, इसकी जो इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती, वो करेगी सिर्फ और सिर्फ रेट कांस्टेंट पे, और रेट कांस्टेंट क्या होता है फिक्स होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ होता है वो होता है के पर डिपेंडेंट, के आप निकाल लो उस रिएक्शन से बाकी फिक्स हो जाएगा मामला, 0.693 के है कॉन्स्टेंट है, ठीक है समझ गए, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के यूनिट ऑफ के बताओ जल्दी, ये क्या है कांस्टेंट, ये क्या है लॉग, इसकी कोई वैल्यू होती नहीं, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन बटे कंसंट्रेशन कट गया, तो के टी जो है उसके आगे कोई है क्या यूनिट, नहीं है कोई यूनिट ही नहीं है, के टी क्या है यूनिट लेस है, के टी अलग अलग नहीं, के की कुछ यूनिट है टी की कुछ यूनिट है, लेकिन के टी दोनों मिला के क्या है यूनिट लेस है, जब यूनिट लेस है तो के टी यूनिट लेस है तो के किसके 1/t के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, टी जाएगा इधर तो यहाँ क्या है एक है ना, इधर जाएगा तो के इक्वल टू 1/t हो जाएगा, तो ये टी की क्या हो गया रिवर्सली प्रोपोर्शनल, टी की यूनिट क्या होती है सेकेंड, तो के की यूनिट सेकेंड इनवर्स, अब तो वो मोल लीटर इनवर्स कंसंट्रेशन वाली टर्म ही नहीं आई, के क्या है के हर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ साथ के की यूनिट बदलती है सेकंड इनवर्स, आपको अब की बार न्यूमेरिकल में क्या देगा, आप अब दोनों को पहचान सकते हो, जीरो ऑर्डर में के की यूनिट क्या थी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, इसमें क्या है सिर्फ सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स गायब, अब जब आपको सीधा बिना बताए कि ये रिएक्शन कौन सी है जीरो ऑर्डर है कि फर्स्ट ऑर्डर है, उसमें बिना बताए अगर आप उसको उसमें K की वैल्यू के साथ यूनिट दे दे तो आपको पता लग जाएगा सेकंड इनवर्स है भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अगर वो दे दे मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स तो आप बोलोगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन के फॉर्मूले लगाओगे, यहाँ पे आप फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले लगाओगे, सिंपल, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या रहा है वही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वो मैं बताऊंगा आपको अगली क्लास, तब तक के लिए मैं विदा चाहूंगा, नमस्कार, थैंक यू, ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को देखते रहें लास्ट तक बिना पॉज किए हुए, और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर चल रहा है, बिल्कुल सबको समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक थम्स अप ज़रूर बताएं, कमेंट में कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।